और इस तरह से मेहरा पिपरिया की ओर से पहली सर्विस और सुरक्षित अपनी कोर्ट में वापस हुए और ये पुनः कल इस खिलाड़ी ने एक नंबर की जर्सी जलवा बिखेरा था और आज देखना है और पुनः एक खिलाड़ी को अपने पहली सर्विस में उन्होंने अंक हासिल किया और ये पुनः फिर से मेहरा पिपरिया की ओर से सर्विस सात खिलाड़ियों के बीच में बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया जा रहा है और वापस अपनी कोर्ट में नाकाम। काफी अच्छा प्रयास किया जा रहा है, बहुत अच्छा प्रयास और ये थर्ड रेड ये हुटर की आवाज से आप समझ गए इसमें करो या मरो आपको अंक लेने ही होंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे या नहीं तो आपको आउट करार दे दिया जाएगा और आप समय रहते ही आप को पॉइंट लेना होगा और इस तरह से रेडर आउट और मेहरा पिपरिया को फिर से एक झटका। पुनः पांच खिलाड़ियों के बीच में काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन और इस तरह से खिलाड़ी को आउट किया। और मैं दर्शकों से चाहूंगा कि जैसे खिलाड़ी ये करते हैं आप तालियां तो बजाएं कम से कम। बहुत ही अच्छी पकड़ थी मेहरा पिपरिया की और इसमें पॉइंट बहुत बहुत ही अच्छा। खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन के लिए हम समय समय पर तालियां बजाते रहे और बहुत ही अच्छा प्रयास और डबल पॉइंट मेहरा पिपरिया की खिलाड़ी ने फिर से अपने केमिकली और बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन। और बहुत अच्छा प्रयास किया गया और इस तरह से नागपुर कार्टून ने भी अपना एक अंक का इजाफा किया और पांच खिलाड़ी के बीच में मेहरा पिपरिया की ओर से 10 नंबर खिलाड़ी काफी अच्छा प्रयास कर रही थी अंक निकालने का। देखना है अपनी टीम के लिए और ये क्या कर पाती है। लगभग दोनों ही टीमें अभी बराबरी का खेल चलता हुआ इनके बीच में और बहुत ही अच्छी पकड़ थी और इस तरह से सुपर रेड नागपुर के खिलाड़ी द्वारा सुपर रेड कर दी गई। और फिर पुनः वापस और इस खिलाड़ी के लिए यहाँ सुपर टैकल ऑन है। यहाँ अगर मेहरा पिपर खिलाड़ी पकड़ती है तो इन्हें बहुत ही गजब का प्रदर्शन है। यहाँ इस खिलाड़ी के लिए तो तालियां चाहूंगा भैया, आप तालियां बजाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन और बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है और इस खिलाड़ी ने भी 3 पॉइंट सुपर रेड कर लिए। इन्हें भी टाइम आउट बहुत ही एडवांस टैकल करने की कोशिश की और एक पॉइंट गवाया।
अर्घा जब का प्रदर्शन किया गया और इस तरह से इन्हें पकड़ लिया गया और इस बार आउट हो गई। फिर से पुनः चार खिलाड़ियों के बीच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया है और इस मेहरा पिपरी के खिलाड़ी ने काफी अच्छा प्रदर्शन कर अपने इस मैच को विजय की ओर अग्रसर करती हुई और उसी के मुकाबले ये नागपुर काटुल की टीम भी बहुत अच्छा पकड़ और इस तरह से इन्हें भी कैच कर लिया गया। काफी अच्छा पकड़ और पुनः मेहरा पिपरिया की ओर से सर्विस, ये सुपर टेकल है यहाँ। अगर ये खिलाड़ी पकड़ाती है तो नागपुर को 2 पॉइंट मिलेंगे और उन्होंने पकड़ लिया और 2 पॉइंट मिले काटुल को और लगभग 5-5.5 मिनट का समय हो चुका है और 5 ही खिलाड़ी यहाँ शेष है और पुनः बहुत ही अच्छा प्रयास अंक निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हम देखना ही चाहेंगे कि कौन सी टीम विजय को हासिल करती। दोनों टीमों अपने कसम मुकाबले पर खड़े उतरते हुए फिर एडवांस टैकल करने की कोशिश की थी और इस तरह से फिर एक पॉइंट गवाया और 5 खिलाड़ी शेष बचे हुए काटोल की टीम पर और पुनः वापस नाकाम अपनी कोर्ट पर। बहुत अच्छी पकड़ और बहुत ही अच्छा प्रयास किया सर्विस काटुल की ओर से बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है यहाँ अंक निकालने का काफी अच्छा प्रयास किया जा रहा है और यह हाफ टाइम की अंतिम रेड होगी। हाफ टाइम की अंतिम रेड है और बहुत अच्छी पकड़ हाँ।
बहुत ही अच्छा स्कोर किया इस कार्टून की खिलाड़ी ने और कितना अच्छा खेल का नजारा आपके सामने महरा पिपरिया और कार्टून के बीच में। आवाज सुन लिए होंगे ये आउट है सेल्फ आउट आउट और बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया और पुनः एक पॉइंट अपने लिए हासिल किए। और इस तरह से इन्हें बाहर कर दिया गया डैश कर दिया गया और पुनः एक पॉइंट कार्टून को मिलता हुआ और इस तरह ने भी मेरा पिता आत्मसमर्पण कर दिया और तीन पॉइंटों का पुनः यहाँ पर और कार्टून टाइम आउट आउट और पुनः फिर से वोटर की आवाज टू और डायरेक्ट करो या मरो इसमें आपको अंक ले जाना ही होगा तब आप सुरक्षित हैं या फिर आपको आउट करार दे दिया जाएगा और समय पे ही करना है और रेडर आउट आउट फिर से पुनः काटोल की ओर से मेहरा पिपरी की कोर्ट में सर्विस फिर से बहुत अच्छी पकड़ एक नंबर जर्सी पहनी हुई इस बालिका ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया ऑलराउंडर खेल का प्रदर्शन कर रही है और पुनः फिर से एक पॉइंट लिया मेहरा पिपरिया ने और इस खिलाड़ी को काफी अपने खेल में वापसी करना होगा काफी अच्छा प्रदर्शन की थी और सेल्फ आउट और खेल के शेष 5 मिनट लास्ट 5 मिनट बच गए हैं मैच समाप्ति के कैप्टन एम्पायर ध्यान दें थर्ड रेड है
करो या मरो, स्थिति आपके पास। बहुत बढ़िया प्रदर्शन है यार, तालियां इस खिलाड़ी के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि तालियां बजाए भाई, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और ये सुपर रेड मेहरा पिपरी की ओर से भी सुपर रेड कर दी गई है, बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। और लगभग अभी 4 मिनटों का खेल शेष रह गया है। बहुत अच्छा खेल का प्रयास किया जा रहा है और बहुत अच्छा टच पॉइंट किया इन्होंने। हर रेड में पॉइंट लेके आती है, ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में खेल रही है। और यहाँ सुपर टैकल ऑन है काटुल की टीम को, अगर अंक लाते ठीक है, पकड़ा गया तो सुपर टैकल के 2 पॉइंट मिलेंगे और एम्पायर ने सुपर टैकल के 2 पॉइंट दिया। और फिर से 4 खिलाड़ी शेष बचे हुए हैं और एक खिलाड़ी एम्पायर का इशारा आउट। काफी अच्छा प्रयास किया गया। फिर सुपर टैकल ऑन है यहाँ पर, देखने खिलाड़ी को क्या कर पाती हैं, अंक ले जाती हैं या वैसे सुरक्षित वापस। और ये डू और डाई रेड है। और देखना है ये खिलाड़ी को अपने ये अंक लाने ही है। और बहुत ही अच्छा प्रयास है यार, इस खिलाड़ी ने तो गजब कर लिया। और लास्ट मिनट बचता हुआ और फिर पुनः उसी खिलाड़ी ने फिर एंकल और इस एक नंबर खिलाड़ी को गोलू भालेकर की ओर से 100 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। जैसे ही मैं संपन्न होता है आप अपना 100 रुपए आकर ले जा लेंगे यहाँ से। और हमारे ग्राम पंचायत विजय पानी कला के सरपंच श्री मनोज उइके की ओर से भी उस एक नंबर खिलाड़ी के लिए और 100 रुपए की राशि दी जाती है। और ये ड्रू डाई रेड और लास्ट मिनट का खेल चलता हुआ यहाँ पर 1 मिनट शेष बच गया है आपके लिए, देखना है। और लगभग समय अंतिम पड़ाव पर चलता हुआ और रेडर आउट। और ये अंतिम सर्विस मैच की भैया, मैच समाप्त की अंतिम सर्विस 3 सेकेंड। और बहुत अच्छा प्रयास सुपर टैकल कर लिया गया और इस तरह से मैच समाप्त।